तो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। अब देखो भैया, यहाँ पे और आप जाके देखोगे तो आपको लगभग 30 दिन का टाइम बच रहा होगा, ठीक है, इस सीजन में। पर भैया यार, जो बंदे प्लेटिनम में हैं उनका भी कॉन्कर इजिली हो जाएगा। बंदे पता नहीं क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं यार। जो डोमिनेटर में है, जो एस मास्टर में है, एस में है, उनका तो इजिली कॉन्कर हो जाएगा। बाकी सुनो, मैं आपका डेली टारगेट रिक्वायर्ड, मतलब भाई कितना आपको प्लस करना है, अगर आप प्लेटिनम में हो, डायमंड में हो और क्राउन में हो, तो उस हिसाब से आपको डेली का कितना प्लस करना हो ताकि आपका इजीली कॉन्करर हो जाए, ठीक है। बाकी बात करें हमारे गेम प्ले के बारे में, भाई ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। और हाँ, वो अभी मैं वीडियो के थोड़ा सा यार इवेंट के क्लिप्स देख लो, बता दूंगा, ठीक है, डेली का कितना प्लस करना है ताकि आपका इजीली कॉन्कर हो जाए। बाकी भाई गेम प्ले यार काफी नेक्स्ट लेवल का है। लास्ट तक देखोगे ना, कसम से मजा एकदम नेक्स्ट लेवल का यार, चुम्मे सुधी मजा आएगा। बट लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इधर पे देखो लैंडिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो मैं सोचा घरों में जाने का कोई मतलब नहीं, ये पेट वगैरह खोल के लूट हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। यहाँ पे बैरल वगैरह मिल गया तो मैं सोचा अब वापस से जाऊंगा, कोई बंदा रहेगा वहां पे और धब्बा धे के किल मिल जाएगा। लेकिन देखो सीन क्या होगा। पहली बात तो डर लग रहा था कोई बंदा अपने को स्पॉट ना कर ले, पानी में ही पेटी बन जाए, बट सामने बंदा कोई रहता नहीं। भाई यहां पे कोई भी नहीं था यार, जैसे नीचे आता हूं यहां पे देखो एक बंदा। अब देखो, पहली बात तो अपने पास DBS, दूसरी बात भाई यार एक ही DBS मारने का आदत है, एक ही फायर करने का, और भाई एक में बंदा मरा नहीं यार, क्या है ये। अब इसीलिए मैं DBS नहीं चलाता भाई, एक में मर जाया करें, है ना। चलो ठीक है, चलाना चालू कर दूंगा। नीचे भी और भी बंदे रहते हैं जिनसे हमारी फाइट नहीं होती, ये इधर पर निकल जाते हैं। सामान वगैरह हो चुका था तो मैं सोचा मैं भी चल के रिकॉल उठाऊँ। अब साथ जो बंदा भाई यहाँ पे समन वगैरह किया था ना, वो छोड़ के भाग ही गया था, तो मेरे लिए अच्छा बात था। फिर भी यार थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भाई यार कैंपरों का क्या ही, कहाँ कैंप कर लें, कब कहाँ कैंप कर लें, कैंपरों का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। स्मोक करता हूँ शांति से, और ऐसे मत जाया करो। अगर आपके पास ये पुछपुछ है ना, इसी का यूज करके जाया करो। पुछपुछ मतलब ये जो भी है ब्लास्टर गन। देखो ऐसे शांति से रिकॉल वगैरह उठा लिया करो, और भाई स्टिंग दे भी मिल गया भाई, रिकॉल तो उठ गया था। मुझे भाई बंदों से लेनी थी फाइट यहाँ पे, ताकि यार मेरे पास दो रिकॉल हो। अगर यहाँ पे मर जाऊंगा, मेरे पास रिकॉल उठाई है तो बाहर भी रिकॉल रहेगा। तभी देखो सामने से एक बंदा दिखता है। भाई यार चोक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट भाई यार अच्छा खासा डैमेज दिया था, इतने में तो बंदे की पेटी बन जानी चाहिए। अब मैं सोचा थोड़ा बहुत डैमेज होगा, चल के पुश कर दूं, लेकिन भाई बंदे का पता ही जता कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गया। अब ये बंदा तो इधर से भाग जाता है, लेकिन भाई इसके अलावा यहाँ पे दो दो स्टिंग वाले बंदे, अब जिनको क्या ही मैं गंदा मारने वाला हूं ना भाई, क्या ही मजा आएगा भी। देखो थोड़ा सा सीन देखो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यार अब की DBS चलाना चालू कर दूं, है ना। बट देखते हैं आगे क्या होगा। अरे हेडशॉट दे दिया इधर पे। अरे है ओए हो, इटाची का हमने यहाँ पे पिटाची बना दिया। लाइक वगैरह कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, कर दो कर दो कर दो। अब देखो ये वाला बंदा, अब नेट कर रहा था तो बंदा उड़ने लगता है, फिर अब इसको एक गोली ना मैंने भाई स्टिंग दे पे ही मार दिया था। उसके बाद भाई एम तो यार अच्छा था, पता नहीं क्यों गोलियां कनेक्ट नहीं हुई, बट मार लिया लास्ट में, एट लास्ट इसको मार लिया। अच्छी बात तो ये थी, ठीक है। फिर यहाँ से मैं उड़ जाता हूँ, अब एक बोट मिलता है, बोट को मार के यहाँ पे हमारे अच्छे खासे 4 किल हो जाते हैं, ठीक है। और अब भाई लूट भी यहाँ पे अच्छा खासा हो चुका था, P90 वगैरह मिल चुका था, तो चिकन तो होने ही वाला है। बाकी बात कर लेते हैं कि आपको डेली का प्लस कितना करना है। देखो भैया, अगर आप गोल्ड वगैरह पे हो, पहली बात तो गोल्ड पे कोई होगा नहीं, ठीक है। जो बंदे स्क्वाड खेलते हैं वहाँ पे सारे के सारे बंदे लगभग डायमंड पे ही होंगे, बट अगर आप अनफॉर्चुनेटली
प्लेटिनम में हो तो भैया डेली का आप 250 प्लस करो, जब तक आपका क्राउन ना हो जाए डेली का 250 प्लस करते रहो, ठीक है। जब आपका क्राउन हो जाए तो डेली का 200 प्लस करो, जब आपका एस हो जाए तो डेली का यार 150 प्लस करोगे तो भी आपका इजिली कॉन्करर हो जाएगा, इजिली बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई अभी के टाइम पे आज 23 दिन दिख रहा है, इसको 30 नहीं केवल 25 दिन मान के चलो, 25 दिन के हिसाब से अगर आप डेली का 100 प्लस भी करोगे प्लेटिनम से, तो उस हिसाब से आपका डेली का 2500 प्लस हुआ। प्लेटिनम से 500 करोगे तो भाई आपका डायमंड हो जाएगा, उसके बाद डायमंड से 500 करोगे तो क्राउन हो जाएगा, क्राउन से 500 प्लस करोगे तो आपका एस हो जाएगा, एस से 500 प्लस करोगे तो आपका एस मास्टर हो जाएगा, एस मास्टर से 500 प्लस करोगे तो आपका एस डोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब भाई 2500 पॉइंट हो गए, और ऐसा नहीं कि भाई 100 ही प्लस करोगे, आप थोड़ा सा ज्यादा ही करोगे, है ना। तो भाई जितना मैं टारगेट बताया उतना करो, इजिली कॉन्करर हो जाएगा। जो बंदे एस मास्टर पे हैं डेली का भाई 70 से 80 प्लस करो, इजिली कॉन्करर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हमारे गेम प्ले की तरफ, भाई देखो यहाँ पे अपने पास रिकॉल वगैरह था तो ट्राई कर रहा था यार कैक्टू किल वगैरह मिल जाए, कैक्टू बंदे से फाइट हो जाए, नहीं तो भाई रिकॉल वेस्ट ही हो जाएगा। बट ये बंदा तो उधर से भागी जाता है। अब देखो शॉप पे आने के बाद यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, ठीक है, जो कि यार चला जाता है। बट यहाँ पे एक दूसरा भी बंदा था, उसका भी फुटस्टेप आ गया। अब देखो जैसे ही नेट यहाँ पे कुक करता हूँ, बंदा पुछ का यूज करता है। मैं सोचा भाई ऊपर आने के लिए फाइट करने के लिए सब कर रहा है, बट भैया वो इधर से भागने लगता है। अब भाई डैमेज तो अच्छा खासा दिया था, बट भाई पीछे से इसको कोई और ही बंदा मार दिया यार, किल चोरी हो गया भाई। यार वैसे यार क्या बोलूँ, मैं जाके देखता हूँ उस बंदे को कि यार दिख जाए कहीं पे, उसका ही किल मिल जाए, अपना रिकॉल भी यहाँ ख़त्म होने ही वाला था। भाई एक तो पेटी दिख गई वो बंदे की, ठीक है, बट दूसरा बंदा यहाँ पे स्पॉट नहीं होता है। ये वाचटावर वगैरह सेल्टर वगैरह सब देख लेता हूँ। अब देखो अपना रिकॉल वगैरह खत्म होने वाला था, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने कुछ क्वाइंस और स्टिंगरे छुपा के रखा था, ठीक है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ यार, ताकि मैं मर वगैरह भी जाऊँ तो मेरा ये स्टिंगरे वगैरह और क्वाइन वगैरह सेफ रहे, मेरा आराम से लूट हो जाए, ठीक है। और एक स्टिंगरे इवेंट पे भी था, ठीक है, वहाँ पे रोजोक वाले, वहाँ से भी एक स्टिंगरे उठा लेता हूँ मैं जाके। चलो लास्ट के सर्कल में एंट्री भी हो जाता है। अब देखो भाई यहाँ पे टॉप 10 नहीं हुआ था यार, अगर इस बंदे से फाइट करने रुक जाता ना तो भाई अपना मैच खराब ही हो जाता, अगर मैं मर जाता तो, ठीक है, बट मार लेता तो भाई अच्छा ही रहता है ना। बट मैं यहाँ पे सोच रहा था यार ये आगे वाला जो पोजीशन है ये मेरे को मिल जाए, अगर जोन यहाँ पे कटेगा तो मेरे लिए अच्छा बात रहेगा, इसलिए मैं सोच रहा था जोन कट जाए तब मैं कहीं पर होल्ड करूँ, और उसके पहले मैं उड़ता ही रहता हूँ। और आगे वाला ऊपर वाला जो शेख है ये भी देख लेता हूँ कोई बंदा यहाँ पे है तो नहीं, कि वहाँ पे मेरा बाजा बजा दे, ठीक है, जैसे ही होल्ड करूँ। चलो भाई देखो जैसे जो उन्हें यहाँ पे कटाना, मैं सोचा इधर पे रुकने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, अपने पास एक एक्स्ट्रा स्टिंग रे था तो भाई इसका फ्यूल खत्म होने लगा था, मैं सोचा भाई कहीं पे रुक के आराम से चेंज कर लेंगे, देखो फिर कैसे करते हैं। और भाई अगर ऐसी जगह पे कोई बंदा देख रहा होगा ना तो भाई अपनी पेटी बना ही देता। और भाई सर्कल के अंदर कोई कंपाउंड भी नहीं था, पूरा ओपन का जोन था। ये लो दुखता भी हूँ और भाई चेंज भी कर लेता हूँ, मज़ा भी आ गया। ओके अब इधर पे सीन देखो भाई, ये बंदे कैसे कर लेते हैं यार, ये गाड़ी में गिटन करके बैठा था, पहली बात तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ, जब अंदाजा हुआ तो बंदा भागने लगता है, ये देखो। काश यार हाथ में M4 लेके बैठता, बट भाई गन रिलोड पे आ चुकी थी, मुझे यार रिलोड भी करना था। और सामने वहाँ पे एक स्टिंग वाला बंदा उड़ रहा था बी डैम के पास, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये टीम अप वाले हैं कहीं ना कहीं, बट मैं सोचा पीछे से कोई बंदा थर्ड पार्टी भी कर सकता है ना, यहाँ पे टॉप 10 हुआ नहीं था तो ज़्यादा पंगा लेते नहीं, बट पीछे से वाला बंदा अपने भी स्प्रे लेता है ये BRDM वाला, तो मैं सोचा भाई यार इसको भी तो सबक सिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं भी यार बदला लूँ, है ना, यहाँ पर BRDM तोड़ने लगता हूँ तभी। अय है ओए हो मज़ा आ गया। तो भैया जी अगर आप मारोगे तो आप भी मार खाओगे, ठीक है।
बाकी आपके पास बीआरडी वगैरह रहा करे ना, तो भैया बिना मतलब का किसी के ऊपर स्प्रे ना लिया करो, चुलबाजी मत किया करो, ठीक है। यहाँ पे हमारे 5 किलो इजली हो जाते हैं। और भाई इसके पेटी में से भी एक मुझे इस एकदम से फ्रेश वाला स्ट्रिंग वगैरह मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। बाकी ऊपर मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, ठीक है। अब फिर से स्पॉट हुआ, भैया डैमेज तो गंदा वाला दिया बट कुछ नहीं हुआ। अब देखो चलो फाइनली किल मिल गया इधर पे, 6 किल हो गए और टॉप 10 भी होने वाला था, #11 पे था। अब देखो जो बंदे के पास अच्छा खासा कवर है, अच्छा खासा कंपाउंड है, वो तो भाई यहाँ पे बीआरडीएम तोड़ेगा ही, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था, पर भाई यार सीन ऐसा है कि जोन आ गया था तो मुझे आगे जाना ही था। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होगा, यार सामने वाले बंदे को उतर के मैं ही मार देता ना, ये बेबी को, हाय बेबी, इसको यार किल मिल जाता, ठीक है। बट कोई ना, कोई और ही मार दिया। फिर देखो वो भाई, देख लो उसके पास अच्छा खासा पोजीशन है तो भाई फोड़ेगा ही। चलो अपने पास भाई एकदम से फ्रेश स्टिंग दे है तो दिक्कत की कोई बात है नहीं, ठीक है। अब मैं सोचा चल के यार उसको भी थोड़ा सा यार देख लिया जाए, टॉप 10 हो गया था तो मुझे बस फाइट लेना था, ठीक है, दिक्कत की कोई बात थी नहीं। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होगा, अब मैं सोचा भाई अभी के लिए यहाँ पे सर्कल है, इनका स्टैंड तोड़ा जाए। भाई हेडशॉट दे दिया लेकिन बंदा बच जाता है। अब यार फिर से डैमेज दिया लेकिन हेड नहीं लगा। टाइमिंग देखो, जैसे उतरता हूँ वैसे ही बंदा उड़ के भागता है। फिर दूसरा, अब दूसरा शायद यहाँ पे स्ट्रिंग दे चेंज करने के चक्कर में था, इसको मार के 7 किल हो जाते हैं। लास्ट का बचता है एक बंदा, अब ये वाला नेट देखो, चलो एक ही ग्रेनेड में भाई यहाँ पे 3 मेवों का काम तमाम हो गया। बट यहाँ पे सीन देखो, जैसे ही जाता हूँ भाई कसम से इतनी जल्दी कैसे रिवाइव हो गई है, वो तो अच्छा हुआ इसके हाथ में गन नहीं था। और भाई यार क्वीन मेव को मार के मजा आ गया यहाँ पे, ठीक है। और हमारे 8 किल के साथ चिकन हो गए थे, बाकी प्लस भी देख लो कितना मिला। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो इसी मैच के बाद इसमें एस डोमिनेटर भी हो गया, और भाई अभी के टाइम पे इस मैच में रैंक कितना चल रहा है वो भी देख लो।